गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माय नेम इज विकास कुमार एंड आई एम फैकल्टी इन अध्ययन द एफर्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आज हम लोग जो यहाँ पर वीडियो में या वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सी एस और ईसी की अगर बात करें तो उनमें यही पेपर सेम पेपर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी नाम से है बट बिफोर स्टार्टिंग द पेपर एक जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हमारी ऑन गोइंग बैच है उनमें चूंकि सिलेबस के कुछ पोर्शंस, अच्छे खासे पोर्शंस को कवर कर लिया गया है इस वजह से आप लोगों की डिमांड थी सो नाइनटीन्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड 21 से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जिनको भी इन बैचेज में एडमिशन लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसमें जितने भी ब्रांचेज है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ई और सी कंप्यूटर साइंस सभी के फ्रेश बैच 19 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है तो इस बैच में जो भी एडमिशन के प्रोसीजर है आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं लेट्स लेट्स स्टार्ट द पेपर जो सब्जेक्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं तो डबल ई या ट्रिपल ई में या आपको ये पेपर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से मिल जाएगा कोड है इसका आपको ई एल ई थ्री जीरो फोर जेयूटी में आपको जो थर्ड सेमेस्टर में इन दोनों ब्रांचेज में जो आपको कोड दिया गया है इसको दैट इज थ्री जीरो फोर और सेम पेपर जो है आपको सी एस और ई में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के नाम से मिलेगा वहां पर आपको इसका कोड ई सी सॉरी यहां पर आपको कोड ई सी थ्री जीरो फोर यहां आपका कोड है ठीक है ये आपको कोड है ठीक तो ये जो पेपर है ये बहुत ही बेसिक पेपर बोला जाता है इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही फंडामेंटल या बेसिक पेपर है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वो आपको हर पेपर में रिक्वायरमेंट होगा खासतौर से इलेक्ट्रिकल में तो है ईसी ई सी में भी सी एस वालों को तो इस सेमेस्टर में सिर्फ पढ़ना है लेकिन ई सी और जो इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ही जो ब्रांच है उनके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मेजरमेंट हो गया या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या आने वाले सेमेस्टर में मशीन है पावर सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है आपको इस पेपर का जो फंडामेंटल है बिल्कुल आपको ज़रूरत पड़ेगा डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं आप अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिस पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप एस एस जेई में आपको इस पेपर से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन अकेले इस पेपर से आपको पूछ लिए जाते हैं तो आप इसी से सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट पेपर है बिल्कुल जो बिल्कुल बोलते हैं इंजीनियरिंग का जो सबसे फंडामेंटल है सबसे बेसिक जो पेपर होता है उनमें से ये काउंट होता है उन पेपर में से यह काउंट होता है ये पेपर तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पेपर के फर्स्ट यूनिट की बात करें तो देखिए जो डबल ई और ट्रिपल ई है डबल ई या ट्रिपल ई ब्रांच जो है और ये जो सी एस और ई सी है इन दोनों के फर्स्ट यूनिट से लेके फोर्थ यूनिट तक पे जो यूनिट है वो कॉमन है उसके बाद इनके इनका यूनिट एक यूनिट अलग है और इनमें दो यूनिट या तीन यूनिट आप बोल सकते हो अलग से ऐड किया है इनमें थोड़ा सा मशीन पढ़ना है आपको एसी मशीन है डीसी मशीन है और ब्रीफ आइडिया ऑफ पावर सिस्टम है और इनमें जो है वो एसी वाला पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया मैग्नेटिक सर्किट के बाद ठीक तो थोड़ा सा सिलेबस में फोर्थ यूनिट के बाद डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन दोनों का तो बिल्कुल कॉमन है ये पेपर बिल्कुल कॉमन है ठीक है बस डबल और ट्रिपल ई का ई और सी के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट तो अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें जो कि सभी ब्रांचेज में कॉमन है मतलब डबल ई ट्रिपल ई सी एस ई और इसी इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में फर्स्ट यूनिट क्या है कॉमन है तो जो यूनिट वन है ठीक है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल नाम में ही है फंडामेंटल मतलब पहला यूनिट में आपको बेसिक्स पढ़ने हैं थोड़ा बहुत आप पहले पढ़ कर आए होंगे नाइन टेंथ में या जो बच्चे इलेवंथ ट्वेल्थ में होंगे तो काफ़ी कुछ पढ़े होंगे लेकिन जो नाइन टेंथ वाले में आप थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे जो मैट्रिक पास किए होंगे चाहे वो किसी बोर्ड से हो तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होगा करेंट किसको बोलते हैं वोल्टेज किस कहते हैं रशिस्टर क्या होता है ठीक है तो ये थोड़ा बहुत जो है आपको ये आपको आइडिया होगा लेकिन इसके बाद भी हम लोग इस पेपर को बिल्कुल बेसिक्स से उठाएंगे और फिर जो और भी टॉपिक है बेसिक में लाइक वोल्टेज सोर्स वगैरह क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ठीक है या रसिस्टेंस के अंदर जो उसका फिजिकल डायमेंशन का प्रॉब्लम आता है या टेम्परेचर कॉफिसटेंट का प्रॉब्लम है या इंडक्टर बेस्ड जो एनर्जी निकालना है कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी निकालना है तो वो सब इसी यूनिट के अंदर आपको कवर कर लिए जाएंगे ठीक है बिल्कुल बेसिक से ये ठीक तो अगर इस फर्स्ट यूनिट में टॉपिक को देखें तो जो पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख ही लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कहते किस को तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होगा वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक ऐसा इंटरकनेक्शन होगा जिससे एक क्लोज पाथ बनेगा और उस क्लोज पाथ में एक करेंट फ्लो होगा और करेंट के फ्लो होने से जो भी आपको आउटपुट है कोई जो आपको रिस्पॉन्स है वो सर्किट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा वो सर्किट तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इट मे बी डिफाइंड एज इट मे बी डिफाइंड एज अ इंटरकनेक्शन ऑफ An interconnection of electrical components in such a way that a current flows in a

इलेक्ट्रॉनिक्स के देखो, डायोड है, है तो ये आपको एक ऐसा इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करेगा एक ऐसा इंटरकनेक्शन होना चाहिए जिससे कि एक क्लोज्ड क्लोज्ड पाथ पाथ बने और उस में करंट फ्लो हो और करंट के फ्लो होने से सर्किट कुछ रिस्पांस दे ठीक है लाइक like एग्जांपल के लिए हम देखते हैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये हम लोग एक बल्ब को कनेक्ट कर लिए यहां पर यहाँ एक बल्ब कनेक्ट हो गया और ये हम लोग एक स्विच लगा दी और एक बैटरी ले लिए ठीक है ठेके? अब इस स्विच को अगर हम लोग ऑन करेंगे इस तरह से तो ये बैटरी से एक करंट फ्लो होगा और इस तरह से इस पाथ में फ्लो करेगा करंट के इस पाथ में फ्लो करने से बल्ब क्या हो जाएगा ग्लो करेगा इट मीन्स सर्किट ट सम रिस्पॉन्स ये सर्किट कुछ रिस्पॉन्स दिया दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बैटरी दिस इज अ रेसिस्टर एंड दिस इज अ इंडक्टर दिस इज सिंपली आर एल नेटवर्क आगे चल के हम लोग इस नेटवर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी यहाँ पर बैटरी को जाए ऐसा एक सोर्स लगा लो ए सोर्स हम लगा लेते हैं तो ये जो सर्किट है ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जाम्पल है यहाँ पर कुछ आपको ड्रॉप होगा वी आर यहाँ कुछ ड्रॉप होगा वी एल दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट तो आपको कुछ क्लोज्ड पाथ दिखेगा उसमें कुछ उस क्लोज्ड पाथ को कुछ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स मिलकर बनाएंगे उनका इंटरकनेक्शन पॉसिबल है लाइक इस तरह से भी पॉसिबल है ज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट दिस इज द इंटर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेट्स तो ऐसा इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स का कनेक्शन जिससे कि एक क्लोज पाथ बने और कुछ रिस्पॉन्स दे वो सर्किट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे ठीक है तो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत ही स्मॉल सा छोटा सा यह टॉपिक था इसमें कुछ खास है नहीं इसके बाद का अगर टॉपिक बात करें जहां से आपको शुरू होता है यह तो बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बस था अगर इसके बाद के टॉपिक को बात करें तो जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर समझना है तो जो सबसे बेसिक है इसके अंदर इसके एलिमेंट्री पार्ट को दैट इज चार्ज को थोड़ा सा जान लेते हैं चार्ज किसको के? तो ये किसी मैटर का सबसे बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर आप इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे चार्ज इज बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच अ फोर्स when it is kept in the electric or magnetic field ठीक ये charge का definition होता है यानी आप किसी charge को मान लेते हैं हम लोग कोई charge है इसको हम लोग अगर किसी electric या magnetic field में रखेंगे then this charge will experience some force ये कुछ ना कुछ force experience करेगा ये किसी matter का सबसे basic या सबसे basic physical properties होता है सबसे छोटा हुआ तो ये था हमारा चार्ज अब चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। इतना तो सबको आइडिया होगा एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है ये दो तरह के चार्ज होंगे अब पॉजिटिव चार्ज जैसे यहां बनाए हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती पॉजिटिव चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता वो दिखेगा दिखेगा नहीं एज्यूम करते हैं ऐसा हम लोग इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते बट हाँ इसके वजूद को यह है इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक एयर हवा हवा हम खुली आंखों से देख नहीं सकते बट वी कैन फील द एयर उससे किसी चार्ज के इर्द गिर्द उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड को हम खुली आंख से देख नहीं सकते खुली आंख का किसी भी मशीन से भी नहीं देख सकते लेकिन हाँ इसके अस्तित्व को इसके परजेंस को फील किया जा सकता है महसूस कर सकते हैं जब इसके आसपास अगर कोई हम लोग दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो हमको क्या दिखेगा कि वो चार्ज या तो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है इट मीन्स दैट चार्ज इज एक्चुअली एक्सपीरियंस सम फोर्स अगर इसके आसपास हम लोग मान के चलते हैं कोई क्यू नॉट चार्ज है चार्ज हम लेकर आएंगे अगर ये दोनों एक जैसे चार्ज है मतलब सेम ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है सेम नेचर के चार्ज है लाइक चार्जेज है तो ये क्या करेंगे रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे अगर अनलाइक चार्ज होगा मतलब ये नेगेटिव अगर हो गया तो एट्रैक्शन फोर्स को क्या करेगा एक्सपीरियंस करेगा तो चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनको बोलते हैं दीज आर द इमेजिनरी लाइंस हम लोग इनको बनाए हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता हुआ प्रतीत होगा जबकि अगर कोई नेगेटिव चार्ज अगर हुआ कोई अगर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आता हुआ दिखेगा इस तरह से, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होंगे पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होंगे ठीक अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा जान लीजिए ये जो टॉपिक है इसमें जो अभी पॉइंट डिस्कस कर रही है ये एस एस जेई में पूछा हुआ है ठीक है आप लोग इस तरह का डायग्राम कई बार देखे होंगे बुक्स वगैरह में हम मान लेते हैं ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ मान लेते हैं कोई माइनस क्यू चार्ज तो यहां से प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से निकल रहा होगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ड होता है अंदर की ओर इस तरह से तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है ये निकाल कर कहा गया तो इस तरह से हम लोग एज्यूम करते हैं। आप लोग इस तरह का डायग्राम देखे होंगे इस फिगर से या इस डायग्राम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने हाथ में लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है और कहा जाके खत्म हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज में लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से से नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकला और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो गया फिर नेगेटिव चार्ज से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की ओर नहीं आया लेक्ट्रिक फील्ड इज अपेन लूप सिस्टम ओपेन लूप सिस्टम यह पूछा हुआ है सवाल जबकि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें जिसका थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही हम लोग एक आ, बार मैग्नेट ले लेते हैं दिस इज अ बार मैग्नेट आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ बार मैग्नेट ठीक है तो अगर हम लोग एक बार मैग्नेट ले, ले ठीक है। एक यहां पर बार मैग्नेट एज्यूम कर लेते हैं दिस इज अ बार मैग्नेट। इसके दो पोल होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पोल में जाता है किसमें एयर में ये हमारा एटमॉस्फेयर है यानी एयर तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहा जाएंगी साउथ पोल में टर्मिनेट

इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका ये जो प्लस क्यू चार्ज है मान के चलते हैं ये इसका एक रीजन है मतलब यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा है ठीक और यहां पर कोई एक पॉइंट है इस पॉइंट को पी कंसिडर कर लीजिए इस प्लस क्यू चार्ज से ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस क्यू ये जो क्यू पॉइंट है सॉरी जो क्यू चार्ज है इस P पॉइंट पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है मतलब यहां अगर कोई स्मॉल सा चार्ज Q नॉट रख दिए हैं तो ये जो प्लस Q चार्ज है कैपिटल Q ये कोई भी तरह का फोर्स यहां नहीं लगा पा रहा है ना तो इस प्लस Q नॉट स्मॉल Q नॉट को अट्रैक्ट कर पा रहा है ना रिपेल पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली रिपेल नहीं कर पा रहा है रिपेलिंग फोर्स होगा नहीं कर पा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां कोई तरह का इंपैक्ट या प्रभाव नहीं है तो इस प्लस क्यू के लिए ये पॉइंट पी क्या कंसिडर किया जाएगा इंफिनिटी इंफिनिटी का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट पी इज जीरो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां जीरो होगा अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे अब क्या है अगर इस क्यू नॉट को देखें तो दिस क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल चार्ज ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है इतना ना ज्यादा स्मॉल चार्ज है कि इसके वजह से इसका जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल चार्ज। अगर हम लोग इस बहुत ही स्मॉल चार्ज को पॉइंट से उठाकर इसके इस रीज़न के आसपास लेकर आते हैं मान लेते हैं कोई है ए। इस ए तो कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो फोर्स लगाएगा एक्सटर्नल एजेंट इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिटेल में समझेंगे मान के चलिए हम ही लोग हैं हम लोग क्या है एक्सटर्नल एजेंट ये खुद तो आएगा नहीं हम लोग इसको फोर्सफुली धक्का देके यहां से यहाँ पॉइंट ए तक लेकर आएंगे तो जब हम लोग इसको पर आएंगे, तो ये कोई फोर्स एफ एक्सपीरियंस करेगा ठीक है अगर ये क्यू नॉट यहां पर आएगा पॉइंट ए पर तो एफ एक्सपीरियंस करेगा अगर इस क्यू से इस ए की दूरी बोलेंगे तो मान के चलो आर ए दूरी है ठीक है अब कोई दूसरा व्यक्ति मतलब कोई यही यही एक्सटर्नल ले एजेंट ले लेते हैं इसको ए के बजाय इस पॉइंट बी पर ले आए इस पॉइंट थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं ठीक है इस पॉइंट बी पर ले आए तो यहां से ये यह डिस्टेंस क्या है कम है मान लेते हैं आर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया आर जो है दूरी यहां से इससे यहां से यहां का आर का डिस्टेंस क्या है ज्यादा है आर का डिस्टेंस क्या है कम है क्यू से ए पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है क्यू से बी पॉइंट का डिस्टेंस कम है तो आर इज ग्रेटर देन आर ऐसा बोल सकते हैं तो इस एक्सटर्नल एजेंट को अगर इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट पे लाना है तो ए पॉइंट पर लाने में ये ज्यादा वर्क डन कर सॉरी कम वर्क डन करेगा लेकिन अगर इसको बी पॉइंट पे लाना है तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ठीक है तो मतलब ए पर अगर हम लोग देखेंगे इस पॉइंट ए पर तो ये एक अलग ही तरह का फोर्स मतलब कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जबकि बी पॉइंट पर ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऐसा क्यों अगर इस चीज को समझना है तो थोड़ा सा कूलम का फोर्स देखना पड़ेगा कुलम फोर्स क्या बोलता है कि के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है के इज अ कांस्टेंट तो कुलम बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चार्ज के बीच जो दो चार्ज के प्रोडक्ट का यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस वेयर एज दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज

इसका मतलब अगर हम लोगों का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स उतना कम होगा इसी को दूसरी तरह से बोल सकते हैं अगर डिस्टेंस जितना कम होगा दो चार्ज के बीच की दूरी जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ज्यादा होगा तो अगर हम लोग देखें इस क्यू नॉट को अगर ए पर उठा कर लाएंगे तो प्लस कैपिटल क्यू और क्यू के बीच का दूरी आर ए है और अगर बी पर रख देंगे तो q not और इस b सॉरी कैपिटल q और q not यानी b पर b पोजीशन का जो दूरी होगा वो rb है तो rb छोटा है किस से किससे ra से तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर ra बड़ा है या rb छोटा है ra से इस लॉजिक के हिसाब से तो यहां पर जो a पॉइंट पर a पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कम लगेगा as compared to b पॉइंट पर B पॉइंट पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक ये यह सरकम है ठीक है इस सरकम से इस सोर्स तक क्या हो रहा है वेरी कर रहा है बदल रहा है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम जैसे जैसे इस Q नॉट को इस कैपिटल Q के नजदीक लेते जाएंगे वैसे वैसे मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ठीक है यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस सरकमफेरेंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम रहेगा जैसे जैसे इस कैपिटल क्यू की ओर बढ़ेंगे इस क्यू नॉट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होते जाएगा उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा स्ट्रॉर होगा तो सोर्स के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉगर होता है और सोर्स से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होते जाता है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कमजोर होते जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों कमजोर होता है क्योंकि इस कैपिटल और Q0 के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स उतना कम होता जाएगा ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एस SI यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई द इलेक्ट्रिक अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक तरह का वेक्टर क्वान्टिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा इलेक्ट्रिक तो फील्ड के बारे में इसी में अगर हम लोग एक छोटा सा चीज को और समझ ले बहुत ही छोटा सा चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कैपिटल चार्ज है ठीक है और इसकी वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से है ना तो अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कोई एक स्मॉल सा चार्ज इस जगह पे रखा हुआ है ठीक है इस डायरेक्ट को हटा ही देते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल सा कोई चार्ज क्यू नॉट रख दिए ठीक है।, है यही पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों के बीच क्या होगा रिपेलिंग फोर्स होगा तो अगर रिपेलिंग फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा इस पी पॉइंट पे इस पी पॉइंट पे तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस है हम लोग मेजर कर लेते हैं लाइक आर डिस्टेंस है मान लेते हैं तो उस लॉजिक के हिसाब से यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक फोर्स इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एट पॉइंट पी ठीक है तो वो कितना होगा मेरा तो वो होगा मेरा स्मॉल क्यू, क्यू आर स्क्वायर के इज अ कांस्टेंट के का जो वैल्यू होता है दैट इज वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ठीक है

तो इतना एफई एक्सपीरियंस होना चाहिए पी पॉइंट पर तो एफई एट पॉइंट पी इतना हो गया अब यहां पर इस पी पॉइंट पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी तो हम लोग लिखेंगे भाई दैट इज एफई डिवाइडेड बाय ये वाला स्मॉल क्यू नोट है यहां पर ठीक है, एफी e के वैल्यू कितना है के कैपिटल ये स्मॉल क्यू नॉट लिए हैं, तो यहाँ भी क्यू नॉट कर देते हैं ठीक है, square, फिर ये बड़ा है बड़ा देंगे, not, तो हमारा क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो एफी e का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा वैल्यू कितना आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया के क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर